देश के कई शहरों के बाद शनिवार शतरंज ओलंपियाड रिले टॉर्च रायपुर पहुंची। स्वामी विवेकानंद विमानतल के बाहर ढोल नगाड़ों की धुन के बीच शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का जोरदार स्वागत किया गया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल और ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे ने टॉर्च थामा। वही अतिथियों का स्वागत राजकीय गमछा पहनाकर किया गया। दुनिया के कई देश और कई शहरों के बाद आज शतरंज ओलंपियाड रिले टॉर्च राजधानी रायपुर पहुंची। स्वामी विवेकानंद विमानतल के बाहर ढोल और नगाड़ों की धुन के साथ छत्तीसगढ़ की परंपरा अनुसार शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल और ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे ने टॉर्च यहां थामा। वहीं अतिथियों का स्वागत छत्तीसगढ़ की परंपरा अनुसार किया गया। शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले के स्वागत के लिए स्वामी विवेकानंद विमानतल पर खेल मंत्री उमेश पटेल, सचिव खेल विभाग नीलम एक्का, संचालक खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्वेता सिन्हा, वुमन फिडे मास्टर सुकिरण अग्रवाल, छत्तीसगढ़ शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया, साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष विजय अग्रवाल सहित महासचिव गुरुचरण सिंह होरा यहाँ पर विशेष रूप से शामिल रहे। यह हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में टॉर्च रिले का शुभारंभ विश्वनाथन आनंद के हाथों मशाल सौंप कर किया था, जो दिल्ली से विभिन्न प्रांतों से गुजरती हुई आखिर 16 जुलाई को सुबह 9 बजे भुवनेश्वर से राजधानी रायपुर पहुंचे। प्रवीण थिपसे की अगुवाई में ये मशाल रिले एयरपोर्ट से शुरू होकर तेलीबांधा, जयस्तंभ चौक व पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां कार्यक्रम का मुख्य आयोजन राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस कार्यक्रम में खेल प्रेमी, शतरंज खिलाड़ी व स्कूली बच्चे प्रमुख रूप से शिरकत किए। गौरतलब है कि शतरंज के होनहार खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए 20 बच्चों से एक साथ थिप से साइमल्टेनियस मैच खेलेंगे। इस अवसर पर ब्लिट्ज शतरंज स्पर्धा का भी आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।